हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी बताऊँ तो दोपहर भी नहीं बोल सकती, शाम भी नहीं बोल सकती, वैसे तो शाम ही है, पर ये काम मेरा दोपहर में जो झाड़ू पोछा कर रही हूँ करती हूँ सॉरी वही वाला कर रही हूँ। आज मैंने दोपहर में झाड़ू पोछा किया नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने सुबह वीडियो ख़त्म किया है कल का, तो उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया। काम तो मैंने बहुत सारा किया है पर वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन नहीं किया। फिर आज दोपहर में मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं है। मैंने बताया था उस वीडियो में आपको कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा था काम नहीं करने की वजह से, क्योंकि कल पूरा दिन भर मेरा बैठा बैठा ज़्यादा बैठे बैठे रही, अब बैठे रहने से मेरा पैर में दर्द हुआ है। मेरा आदत है घूमते फिरने का, घर में आंगन से मतलब आंगन से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे ही करने का आदत है, तो मेरा पैर में फिर बैठे बैठे रहने से दर्द हो गया। हालांकि अभी मेरा आराम है, दोपहर में मैंने आराम किया, क्योंकि रात में मैं लेट से सोई हूँ, सुबह वही 5 बजे से पहले उठना रहता है, तो मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए दोपहर में मैंने मतलब दोपहर वाला जो दिन में काम रहता वो काम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए खाना पीना खाने के बाद सो गई थी। उसके बाद शाम में जब उठी हूँ 4 बजे, उसके बाद से फिर से मैं काम में लग गई। पहले वह कपड़ा उतार के लेके आना, वो सब काम मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं 4 या 5 बजे का लगभग काम होगा। हालांकि मौसम मेरे यहाँ का बहुत अच्छा है, अभी तो मैंने पंखा बंद किया है मतलब कि, और काम कर रही हूँ तो मुझे तो गर्मी लग रहा है, पर बाहर में बहुत अच्छा हवा चल रहा है। 2 दिन से मेरे यहाँ बहुत अच्छा हवा चल रहा है, रूम में तो लगता है गर्मी पर वही पंखा का हवा भी ठीक लगता है, तो गर्मी अभी मेरे यहाँ कम है, बरसात नहीं हुआ है, पर मौसम ठीक है, अच्छा लगता है बाहर में बैठते आंगन में तो और अच्छा लगता है। मेरा हाथ में दर्द भी हो गया करते करते, क्योंकि जो जाला उतारने का है उसका डंटी जो होता पतला रहता है तो वो टूट गया, तो ये मैंने मोटा वाला डाला हुआ है, तो ये मतलब भारी है, देखने से लग रहा है हल्का, पूरा भारी है। ये काम वैसे तो मैं रोज़ करती हूँ, पर झाड़ू से जब करती हूँ तो ऊपर तक झाड़ू जाता नहीं है, सुबह करती हूँ तो सब कोई सोए रहते हैं, शाम में जब जल्दी जल्दी में काम होता है तो जैसे आगे आगे का जो जाला होता है वो तो रोज़ झाड़ना रहता है, ऊपर में जो है छत का ऊपर ये रहता है तो वो तो कभी कभार ही होता है, जैसे टाइम पूर्ण सब निकाल के ये काम करना पड़ता है। तो आज शाम में इसीलिए मैं लगी हूँ, मतलब कि 4:30 4:30 बजे सॉरी लगी हूँ, तो 1-1.5 घंटा मेरा इसमें लग ही जाएगा। सब जगह का यही क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, मतलब महीना में एक बार होता है मेरा, शुरुआत इसी से होता है, जैसे फ्रिज साफ़ करना, जाला झाड़ना, यही काम अलमारी साफ़ करना। हालांकि मेरा अलमारी साफ़ किए बहुत दिन हो गया, इस बार वो भी देखती हूँ जब मुझे फुर्सत मिलेगा तो दोनों अलमारी भी मुझे साफ़ करना है, पर सबसे पहले ये काम करना ज़रूरी है। हालांकि मेरा छत ऊपर बहुत है, मेरा रूम का तो और ज़्यादा ऊपर है, पुराना घर है तो इसका ये ठीक नहीं है कि बराबर नहीं है, मेरा रूम वाला छत बहुत ऊँचा है तो इसका सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है जाला झाड़ने में, और तो सबका मतलब नीचे है तो हो जाता बरामदा का, हालांकि मेरा ज़्यादातर हो जाता है, क्योंकि बरामदा में जो ये डला हुआ है फोल्डिंग उस पर चढ़ के मैं ज़्यादातर कर भी देती हूँ, ज़्यादा गंदा रहता भी नहीं है, पर ज़्यादा जाला जो भी है हल्का फुल्का इसी में रहता, उतना ज़्यादा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा देखने में गंदा लग रहा है। अब पंखा इसका बहुत मुश्किल से साफ़ होता है, इस रूम का पंखा जल्दी साफ़ नहीं होता, क्योंकि मतलब टेबल पर चढ़ के फिर करना पड़ता है, और टेबल पर चढ़ने का काम अकेले घर में रहती हूँ तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे रहते तो दूसरा चीज़ है, कहीं गिर पड़ गया हाथ पर टूट गया तो देखते रह जाएंगे, तो प्यूस लग के जब रहेंगे मेरे पास में तभी करूँगी, क्योंकि अभी दोनों अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनको भी मैं आपको दिखा दूँगी, दोनों पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं तो उनको मैं बोल नहीं सकती बाबू मेरा काम कर दो पहले, हाँ यही खेलते कूदते रहते टीवी देखते तो मैं बोल भी देती कि करना है, अभी मेरे पास टाइम है, पर उनका इस समय पढ़ाई का टाइम है। मेरा हाथ में भी दर्द हो गया, बीच बीच में हाथ भी झटक रही हूँ, क्योंकि बहुत भारी है ये डंटी जो है, डंटा ही बोलूँगी डंटी भी नहीं बोलूँगी, पतला नहीं मोटा भी है, भारी भी, वजन भी खूब सारा है, पर मैंने आज ठान लिया कि मुझे करना है। पर यह भी है, ये सब काम कर लो करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, करते हैं तब तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई मुझे करना है, पर करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। मैं दोपहर में आज करने वाली थी इसको, पर दोपहर में मेरा पैर में दर्द था, मैंने आपको बताया था, फिर मैंने सोचा नहीं शाम में कर लूँगी। हालांकि मैंने दोपहर में आज झाड़ू पोछा किया नहीं है, इसलिए मेरा घर अभी झाड़ू लगाऊंगी तो गंदा गंदा भी लग रहा है, क्योंकि मेरे पैर में भी दर्द था, फिर थोड़ा सा मेरा नींद का भी था कि मैं थोड़ी देर सो लूँगी तो मेरा मतलब मन शांत हो जाएगा, तो नींद में जब रहते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, मेरे साथ तो यही होता है, क्योंकि सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया सोने में, मैंने आपको बताया ही है, इसीलिए अभी ये काम मैं शाम में कर लूँगी। हालांकि और कोई काम तो मुझे उतना इस समय रहता नहीं, यही साफ़ सफाई का रहता है, तो बाहर में पौधों में पानी नहीं डालना ये सब यूज़ कर देता है मेरा, वही पहले कर दिया उसने, मतलब कि खेल के आने के बाद उसने पौधों में पानी डालने का, उसको शौक भी रहता है तो वो कर भी देता है। कपड़ा पहले मैं उतार के ले आई हूँ, तो अभी शाम के समय का यही काम रहता है, तो 1-1.5 घंटा लगेगा इसका, साफ़ सफाई मैं अच्छे से कर भी लूँगी, मन भी मेरा संतुष्टि हो जाएगा, ये भी महीना में एक बार मैं करती हूँ जो बहुत ज़रूरी भी है, ये नहीं कि त्यौहार बार में ही हो, महीना में एक बार तो मैं कर ही देती हूँ। ज़्यादातर मेरा रूम का ज़्यादा आता है, एक उस दर वाला बरामदा का ज़्यादा रहता है, उसका ज़्यादातर नहीं हो पाता, इस बरामदा का तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं था, बड़ा वाला रूम का भी उतना नहीं था कि उसका हो जाता ज़्यादातर, पर मेरा वाला रूम का भी नहीं हो पाता है, इसका भी उधर वाला बरामदा का नहीं हो पाता है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो हाँ जब कर रही हूँ तो सब जगह कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने यही शुरू किया जाला उतारने का काम, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, डस्टिंग करूँगी, सब काम तो बाद में करूँगी, पर मेरा मन लग रहा है
सच बात यही है क्योंकि हवा बहुत अच्छे से चल रहा है तो मेरा मन लग रहा है काम करने में। लगभग मेरा हो चुका है कि बरामदा का झाड़ू लगाना बाकी है तो उस रूम का तो बेडशीट मैंने तुरंत मतलब कि झाड़ू लगाने के बाद ही लगा दिया है। जाला जाने के बाद साफ़ सफाई करके लगा दिया, इसका भी लगा देती हूँ। इसका तो मैंने सुबह धोया भी उतार लिया है क्योंकि इसका गंदा हो गया था। फिर इन दिनों मुझे धोना भी ज़रूरी रहता है, इस समय भले 2 दिन से हो या फिर 8-10 दिन से हो पर इस समय मुझे धोना ज़रूरी रहता है तो इसलिए मैंने निकाल दिया, सुबह धो भी दिया। केवल दूसरा लगाया नहीं था, मैं ऐसे ही दोपहर में लेट गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जाला झाड़ना है तो गद्दा तो ऐसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। मतलब झड़का दिया मैंने, अच्छे से झाड़ दिया है कपड़ा से तो साफ़ हो गया है। बेडशीट फिर ये डाल देती तो ये फिर दोबारा से गंदा हो जाता, धोना पड़ता, इसलिए मैंने लगाया नहीं। अभी मैं लगा दूँगी पर यही साफ़ सफाई होने के बाद घर एकदम से अच्छा लगता है, मन में खुशी मिलता है। अब लगभग हो जो मतलब मुश्किल वाला काम है वो हो गया है। अब पोछा लगाना है, वो पंखा चालू करके करूँगी तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। हालांकि पीयूष लक्की भी मतलब कि अपना पढ़ाई में बैठ गया है, बहुत देर पहले वो दोनों आके बैठ गया है
और उससे पहले अपना चाची से बात कर रहा था, हालांकि बीच में मैं अभी करके आई हूँ जो आपने देखा, बीच में मैं झाड़ू निकालते निकालते गई हूँ तो उससे बात करने के लिए गए थे, इसीलिए मुझे हंसी भी आ रहा था। क्या है कि मतलब कि मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, पीयूष लेके अपना बात कर रहा था खूब देर तक, उनकी बात सुन के मुझे हंसी आ रहा था। मैंने तो केवल 2 मिनट बात किया है, क्या कि मैं काम में लगी हुई थी इसलिए मैं आ गई हूँ। वो दोनों अपना बात में लगे थे, फिर पढ़ने के लिए वो दोनों भी बैठ गए हैं, मैं भी अपना काम में लगी हूँ। दीदी भी आ चुकी है, क्या कि अभी ज़्यादा जल्दी नहीं है, अभी लगभग 6 बज रहा है, आपको पोछा लगाना है, वो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या कि डस्टिंग भी कर लिया मैंने, मैंने आपको दिखाया नहीं है, आइए शाम में कर रही हूँ, तो फिर सुबह सुबह घर अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। हालांकि सुबह एक बार झाड़ू पोछा मेरा होता है, पर आज सुबह मैंने बिल्कुल अच्छे से नहीं किया, केवल ज़्यादा ज़रूरी होता वही किया है, क्योंकि सुबह मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं था, एक तो दर्द भी था, फिर मेरा नींद भी पूरा नहीं हुआ, तो नींद से भी मेरा था। मेरा सुबह मतलब कि जल्दी उठना तो आदत बन गया है, कितना भी मैं रात में लेट से सोऊँ पर मुझे सुबह जल्दी उठने का आदत बन गया है। यह नहीं कि सोते रहूँ मुझे नींद आ जाता है, मुझे जैसे दिन साफ होता है अपने आप आँख खुल जाती है, उसके बाद मैं कितना कोशिश करूँ मैं सो नहीं पाती हूँ, फिर हाँ दिन में सो लेती हूँ, वो हो जाता है, दिन में नींद जाता है मुझे 1-1.5 घंटा के लिए मैं सो जाती हूँ। आज तो खूब सोई हूँ, लगभग मैं 2 बजे सोई हूँ तो 4 बजे तक सोई हूँ, 2 घंटा तक आराम से सोई हूँ। अभी मुझे फ्रेश फ्रेश लग भी रहा, अच्छा भी लग रहा है, अगर नहीं सोती तो फिर वही सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल से ये दिक्कत सबके साथ होता होगा, मेरा कहने का मतलब जो दिन में सोते हैं उनके साथ होता होगा, क्योंकि रात में बहुतों का ये आदत है, मैंने बहुत बार बताया भी है कि सुबह लेट से उठने का आदत होता है, मतलब अपना अपना होता है, ये नहीं मुझे मेरा आदत मैं अपना बता रही हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, बहुत का ये है रात में लेट से सोते हैं तो सुबह जल्दी उठने का अच्छा नहीं लगता है, उनको पसंद नहीं है, फिर आदत हो गया है लेट उठने का। पर मेरा रात में वीडियो का काम होता है तो मैं कभी कभार ऐसा हो जाता है 12-1 बज जाता है मुझे काम करते करते, दिन में नहीं कर पाती हूँ, तो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि दिन में कर दूँ, जिस दिन नहीं कर पाती हूँ तो मेरा फिर इसीलिए तो कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं गया है। मैंने क्या कि कल वीडियो में काम ही नहीं कर पाई थी, वहाँ से आने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसीलिए मेरा वीडियो फिर अभी सुबह गया है, सुबह मैंने काम किया था वीडियो का, इसीलिए भी सुबह मेरा झाड़ू पोछा नहीं हो पाया, क्योंकि मशीन लगाने के बाद अपना वीडियो का काम खूब देर तक बैठ के कम से कम 2 घंटा लग ही जाता पूरा काम करने के लिए, क्योंकि कुछ किया हुआ नहीं था, एडिटिंग करना, वही जो करना, वीडियो मतलब कि अपलोड करना बहुत काम रहता है, वो तो जो करते हैं उनको पता भी रहता है, तो उसमें 2 घंटा मेरा लग जाता है मुझे स्थिर से बैठती हूँ, तो इसीलिए भी मुझे फिर झाड़ू पोछा करने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं अभी कर देती हूँ। कर क्या देती हूँ, मेरा हो भी गया, लगभग पूरा हो चुका है। हाँ ये भी है, मैंने 2-2 बार करके पोछा लगाया है सब जगह, यहाँ का बरामदा का एक बार लग चुका, उसके बाद दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि 2-2 बार करके लगा रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार में वाइट वाइट जैसे दाग होता है वो हो गया था, क्योंकि खूब गर्दा निकला है, खूब कचरा निकला, वो तो आपने देखा ही है, ऊपर से भी कचरा निकला है, फिर शाम का दोपहर का झाड़ू लगा हुआ नहीं था इसलिए ज़्यादा भी लग रहा था। अभी इतना अच्छा हवा लग रहा है बरामदा का, इधर वाला का तो मैंने पंखा चालू किया है, उधर वाला में खूब अच्छे से हवा चल रहा है। अब मैं जब पोछा लगा रही हूँ तो वहाँ उधर लकी और दीदी खड़े हुए हैं इधर आने के लिए, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा मेरा पोछा लग जाए सूख जाए उसके बाद आप आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सबके साथ है ये कि पोछा लगाओ कोई ऊपर से आ जाता तो कितना गुस्सा चढ़ता है कि मेरा सफाई किया हुआ फिर पानी, सबके साथ है, मतलब कि मैं सबके घर का तो यही सुनती हूँ पोछा लगाने के बाद कोई ऊपर से आ जाए तो कितना गुस्सा चढ़ता है। मेरा ये बीच का रास्ता है बरामदा जो है, क्योंकि आंगन से उधर जाने के लिए यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ ही नहीं ऑप्शन है, तो चप्पल लेके भी इधर उधर करते हैं, बच्चे खासकर करते हैं, मेरा तो 2 चप्पल है तो एक इधर एक उधर रखती हूँ, ये देखिए हवा से गेट भी बंद हो गया है, पर बच्चों का इधर उधर करते रहते हैं, बच्चे क्या कोई घर में आ भी गया तो वो उनका भी ये रहता है इधर से उधर करते ही हैं। मेरा पोछा लग चुका है, मुझे अब आराम मिलेगा, चैन मिलेगा, हालांकि लगाते लगाते 6:30 बज गया, अब दीदी अपना काम करके जा रही है, इनका ज़्यादा नहीं रहता, इनका बर्तन साफ करने का रहता है, तो आज आई भी 2 दिन बाद है, 2 दिन पहले नहीं आई है, तो 2 दिन इनका भी काम मुझे ही करना था, पर आज आ गई है तो थोड़ा मुझे भी आराम हो गया है, इनको भी अच्छा लगता है। यहाँ देखिए पूरा घर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कपड़ा समेटना है, सॉरी ये काम अभी बैठ के करूँगी, थोड़ी देर पहले आराम करूँगी, पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी, क्या कि चाय पानी मतलब आज मौसम अच्छा तो चाय भी पियेंगे। यहाँ पे उस लड़की को भी दिखा देती हूँ, पूरा घर मैंने क्लीन कर दिया है, पर इस वीडियो का भी यही एंड कर दूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, फिर उस लड़की अपना पढ़ाई कर रहा है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।